नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लोन एग्रीमेंट पर आपको स्टाम्प ड्यूटी क्यों पे करनी पड़ती है और आपको हर स्टेट में कैसे कैसे अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी क्या है, कि जो इंडिया में द स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 उसके तहत कोई भी लीगल एग्रीमेंट होता है उसकी लीगल बाइंडिंग के लिए आपको एक स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी होती है, यानी कि वो लीगली कोर्ट में इन्फोर्सेबल हो आपका एग्रीमेंट। इसके लिए देखिए, इसमें तीन चीज़ समझिए कि लीगल बाइंडिंग हो जाएगी जैसे ही आप स्टाम्प ड्यूटी करोगे। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस स्टेट में कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। हर स्टेट में अपनी अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है, कई स्टेट में बहुत कम है, कई स्टेट में ज़्यादा है। अब होता क्या है कि किसी भी स्टेट में आपने जो भी कोई भी एग्रीमेंट किया हो उसकी लीगल बाइंडिंग के लिए आपको उसको स्टाम्प करना पड़ेगा। बैंक आपसे जो भी एग्रीमेंट करता है उसकी लीगल बाइंडिंग होती है, तो इसका ये मतलब है कि हर लोन एग्रीमेंट पे आपको एक स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी होगी और वो स्टाम्प ड्यूटी डिपेंड करेगी जिस स्टेट में आप रहते हैं। होता क्या है, छोटे मोटे लोनों में तो हम ये कंसिडर नहीं करते, लेकिन आप कोई बड़ा होम लोन टेक ओवर करवा रहे हो या ले रहे हो 1 करोड़ का या 75 लाख का, तो उसके अंदर एक कंसिडरेबल अमाउंट आ जाता है स्टाम्प ड्यूटी का। तो अब जैसे हम बात आती है राजस्थान की, मैं अलग अलग स्टेट के बताऊंगा आपको कि किस स्टेट में कितनी स्टाम्प ड्यूटी है। अब जैसे राजस्थान के अंदर एक लोन एग्रीमेंट के लिए आपको 0.25% स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी होती है। MSME के लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख तक के लिए रिलैक्सेशन दिया है कि कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, और 10 लाख से ज़्यादा के लिए 0.25 लोन एग्रीमेंट का पेमेंट करना होगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मान के चलिए आपने होम लोन लिया 10 लाख का राजस्थान में, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी है 0.25%, जो कि होती है 2500 रुपये, यानी कि आपको 2500 रुपये स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी है। अब हम यही बात कर लेते हैं, अगर यदि न्यू दिल्ली में अगर यदि हमने लोन लिया होता, तो न्यू दिल्ली में कोई भी लोन एग्रीमेंट है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हो जाता है, चाहे आपका 100 करोड़ का लोन एग्रीमेंट हो चाहे 100 रुपये का एग्रीमेंट हो, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपका एग्रीमेंट होता है। अब इसी केस में अगर मैं मान के चलूँ आपने 10 लाख का लोन होम लोन अगर दिल्ली में लिया होता, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती 100 रुपये, चाहे कोई सा भी एग्रीमेंट हो, दिल्ली में 100 रुपये में स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि स्टाम्प ड्यूटी से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिए होंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। थैंक यू फ्रेंड।